असलमकम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल क्या हाल चाल है आप सब के आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बोला था ईद के व्लॉग में कि अब मैं बर्थडे एंड एनिवर्सरी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले अलाए की बर्थडे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर रात को मैं निकली थी कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छी जो स्टोर है वो नाइन्टी नाइन सेंट स्टोर है जहाँ से पार्टी की सारी चीज़ें एक तो बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं क्योंकि एक ही दिन यूज़ करना होता है तो इसलिए फिर मैं डॉलर स्टोर आ जाती हूँ और नाम है सिर्फ डॉलर स्टोर लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो अंडर टेन डॉलर अब मिलने लग गई हैं पहले हर चीज़ डॉलर की मिलती थी क्योंकि अब महंगाई बढ़ रही है तो डॉलर स्टोर सिर्फ नाम का ही रह गया है मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ अच्छी सी प्लेट्स मिल जाए वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए पूरी मैंने ऑनलाइन फ्रोजन थीम ऑर्डर करी हुई थी इसकी डेकोरेशन लेकिन स्कूल में जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी तो उस हिसाब से बच्चे जितने थे प्लेट्स वगैरह लेनी थी टीचर ने मुझे दोपहर में जो है वो सारी डिटेल सेंड कर दी थी कि इतने बच्चे हैं नैपकिन प्लेट्स जो भी चाहिए वो सब मैं यहीं से डॉलर स्टोर से आज ले लूँगी और अभी मुझे यहाँ से डन होने के बाद दूसरे सेक्शन में जाना है वहाँ से देखना है बच्चों के लिए कोई अच्छे से गुडी बैग्स मिल जाएँ क्योंकि गुडी बैग्स में मैं कोई कैंडी वैंडी नहीं डालने वाली हूँ स्कूल में मना किया गया है कोई कैंडीज़ uh, वगैरह uh, नहीं अलाउ कर रहे वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ दे दो जो बच्चे के काम में आ जाए स्कूल की कोई ऐसी चीज़ दे दो तो जाकर वो भी देखूँगी यहाँ पर मुझे वो फ़्लावर कैंडल नज़र आई थी और आपको पता है मैंने ये कैंडल 2011 में या 12 में यूज़ करी थी और यहाँ पे मैं अब देख रही हूँ उसको मतलब पाकिस्तान में भी अब माशाल्लाह सब कुछ मिल जाता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ पर नहीं मिलती हो लेकिन डॉलर स्टोर बहुत, बहुत बहुत अच्छी जगह है खैर यहाँ से मैंने गिफ्ट रैप भी ले लिया था काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने ले ली थी दस पंद्रह मिनट के अंदर अंदर और गुडी बैग्स मुझे बड़े अच्छे फ्रोज़न एल्सा प्रिंसेस के ही मिल गए थे तो इसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा पेन रखा हुआ था साथ में एक नोटबुक थी तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा और एक डॉलर में बुरा भी नहीं था तो जितने बच्चे थे उस हिसाब से मुझे ये चीज़ मिल गई थी फिर अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके केक का ऑर्डर देने आई थी क्योंकि 11 बजे से पहले पहले हमें सारी चीज़ें जो है वो स्कूल में पहुंचानी थी और ये बेकरी से हम लोग हमेशा केक लेते हैं बलाए की जब फर्स्ट और सेकंड बर्थडे हमने एक साथ की थी मेरे इन लॉज़ के साथ तो यहीं से मैंने जो है वो केक बनवाया था बड़ा अच्छा उनकी पिक्चर्स के साथ केक बना था अच्छा तो केक मिल गया था लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था जो कि मुझे राइट करके दे दे केक के ऊपर फिर मैंने सोचा कि मैं आइस जो है वो आइसिंग ले लेती हूँ और ख़ुद ही जो है वो राइट कर लूँगी हैप्पी बर्थडे अलाया ताकि अच्छा लगे क्योंकि खाली खाली सा लग रहा था ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा तो इसलिए फिर मैंने जो है वो कारनामा अंजाम दे दिया राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है और इस्पेशली जब आप आइसिंग से लिख रहे होते हैं ना तो बिल्कुल भी सही लिखा नहीं जाता है तो मैंने कहा जस्ट गुजारे लाइक जो है वो हैप्पी बर्थडे अलाया लिख देती हूँ साथ में जब मैंने जो इसकी डेकोरेशन मंगवाई थी ना उसके साथ ये कप केक स्टिकर्स आए थे तो ये मैं लगा दूँगी तो अच्छा सा ऐसा का केक जो है वो रेडी हो जाएगा बच्चों को खुश करने के लिए ना इंसान कुछ भी कर कर सकता है तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें करना बच्चों के लिए लाइक अपने माइंड से जो है ना ये पूरा गेम खेलना पड़ता है कि किस तरह से क्या चीज़ देखकर बच्चा जो है वो खुश हो जाएगा तो इस तरह से मैंने जो है वो केक रेडी कर दिया था अब जैसे इसको बंद करेंगे और पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया है टीचर के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग तो अली को मैंने भेजा पिज्ज़ा पिक करने के लिए और मैं जो हूँ सारा सामान अब जल्दी जल्दी से गाड़ी में लोड करूँगी ये फ़ायदा होता है जब आपके सारे बच्चे स्कूल में होते ना तो फिर आप अकेले अपने सारे काम ईज़िली मैनेज कर लेते हो तो यहाँ पे देख लें सारा ये सामान मैंने निकाल दिया मैंने कहा कोई अच्छे से बैग में डाल देती हूँ ताकि अच्छा लगे जब मैं सामान स्कूल में ड्रॉप करूँ डॉलर स्टोर के पैकेट अच्छे नहीं लगेंगे तो जो मुझे घर के लिए चीज़ रखनी थी वो मैंने निकाल ली थी जो स्कूल में लेके जानी थी वो मैंने सब एक बैग में रखती थी बाक़ी अभी मैं आपको स्कूल लेकर चलती हूँ और आ, अंदर तो हमें अलाउ नहीं किया था क्योंकि कोविड की वजह से पेरेंट्स अब अलाउ नहीं है तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे ड्रॉप कर रहे हैं साथ में जूस वगैरह टीचर ने मंगवा लिए थे मैंने एक वाटर मेलन दे दिया था फ्रूट्स में और बस ये गुडी बैग्स वगैरह थे बच्चों के लिए तो इस तरह से उसकी जो है वो स्कूल में माशाल्लाह बहुत अच्छी बर्थडे हो गई थी मैंने टीचर को बोला था मुझे पिक्चर्स और वीडियोस ज़रूर शेयर करना तो उन्होंने जो है वो पिक्चर्स बच्चों के साथ मुझे सेंड करी थी और आज थी जुलाई सेवनटीन मतलब अलाया का जो मेन बर्थडे का दिन था वो आज था आज के दिन अलाया जो है वो माशाल्लाह पैदा हुई थी और माशाल्लाह अब वो चार साल की हो गई है अलाया की बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी साथ होती है अगर आप कुछ रोज़ टेबल पे देख रहे हैं तो ये मेरे लिए थे लेकिन अलाया के उठने से पहले हमने केक और सारा उसका गिफ्ट वगैरह टेबल पर रख दिया था और की अलाया की छोटी सी सेलिब्रेशन वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं पूरी डेकोरेशन लगाऊं क्योंकि उसके स्कूल में बहुत अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी तो घर में जस्ट हमने सिंपल से ही उसके लिए बलून्स लेकर आ गए थे और बहुत सारे बलून्स लेकर आए थे साथ में मैंने उसके लिए एल्सा प्रिंसेस डॉल ली थी डिजनी स्टोर से एक दिन पहले जाकर तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह उसकी बर्थडे हो गई थी और उसके पसंद का फेवरेट हमने खाना मंगवा लिया था तो घर पे ही बहुत अच्छी दो दिन उसकी जो बर्थडे थी वो हुई थी बाकी इसके जो गिफ्ट्स थे वो आ, कुछ मेरे इन लॉज ने ऑर्डर किए हुए हैं वो भी जब जैसे ही डिलीवर हो जाएंगे वो सब मैं आपके साथ शेयर आरिफ के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी मैंने कहा इसको दे दूँ यह खुश हो जाएगा और अब्दुलाहद को मैंने गिफ्ट कार्ड दिया था तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि मेरी एनिवर्सरी का दिन था तो मैंने कोरमा भी बनाया था क्योंकि मुझे कोरमे की बहुत क्रेविंग हो रही थी आलू डालकर तीन आलू बचे थे मैंने कहा चलो कोरमे में डाल देते हैं क्योंकि जिस खा जब तक खाने में, में मेरे आलू ना जाएं तो मेरे घर वाले जो हैं वो शौक से नहीं खाते हैं तो चिकन का मैंने कौरमा बना लिया था और साथ में मैंने जो है वो नान ऑर्डर कर दिए थे अलवतन रेस्टोरेंट से क्योंकि कौरमा और नान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है बहुत मज़े का लगता है साथ में मैंने थोड़े से चावल भी बॉयल कर दिए थे ताकि मुझे शिकायत का मौका ना मिले जिसको चावल खाने वो चावल खाए जिसको नान खाने वो नान खा ले और बच्चों के लिए हमने जो है वो उनकी पसंद का मंगवा लिया था क्योंकि अलाए की बर्थडे थी उसको जो अच्छा लगता है हमने उसको चौमिन मंगवा कर दे दिए थे तो इस तरह से जो है वो एनिवर्सरी और बर्थडे बहुत अच्छी सी सेलिब्रेट हो गई थी एनिवर्सरी का मैंने क्लिप जो है वो ऐड नहीं किया वो मैं इन फ़्यूचर के व्लाग में ऐड कर दूँगी बाकी टाइम से मेरा खाना भी आज रेडी हो गया था और बस थोड़े बहुत बर्तन थे जब खाना पकाती हूँ तो वो थोड़े बहुत बर्तन जो ये रह जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं तो मैंने कहा चलो साथ साथ अब मैं ये भी धो देती हूँ जैसे ही धोंगी नमाज़ पढ़ूँगी और मैंने बस खाने पे जो है वो झपट्टा मारना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो अब मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग का वैसे ये व्लॉग पूरा मेरा तीन दिन का बन चुका था क्योंकि आजकल मेरा मूड ही नहीं हो रहा है व्लॉगिंग करने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मूड क्यों नहीं हो रहा है मतलब इतना लेजीनेस सा फ़ील हो रहा है ना बस जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़े बहुत क्लिप्स जो हैं वो कैप्चर कर लेती हूँ और फिर आप लोग के लिए ज्वाइन करके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे वो आ जाते हैं मैसेजेस कि आप कहाँ चली गई हैं व्लॉग इतने लेट क्यों हो रहे हैं तो वो व्लॉग लेट होने की वजह यही है कि बस मेरा दिल नहीं करता है व्लॉग अपलोड करने का या बनाने का आई डोंट नो क्यों लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अपने जो व्लॉग्स हैं वो रूटीन के हिसाब से ही दोबारा से अपलोड करना शुरू कर दूँ हफ्ते में जो दो या तीन करती थी दोबारा से स्टार्ट कर लूँ तो देखते हैं क्या होता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि व्लॉगिंग अब छोड़ दूँ क्विट कर दूँ लेकिन आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है ना सामने इतने ज़्यादा मैसेज आ जा जाते हैं कि प्लीज़ अपना व्लॉग अपलोड कर दें तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कर दूँ हिम्मत करके सिर्फ आप लोग के लिए तो यहाँ पर मेरी ग्रोसरी डन हो गई थी मैंने ब्रेड अंडे वगैरह लेने थे वो मैंने सब ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर पे घर जाने के बाद मुझे जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है अली को नाश्ता देना है और उसके बाद फिर आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं कपड़ों का इतना लोड हो रहा है आज मुझे कपड़े भी धोने हैं शॉपिंग हो गई है मेरी डन एक्चुअली काम का बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है ना मुझ पर क्योंकि मैं अकेली करने वाली हूँ तो बस मेरा ध्यान फिर चला जाता है कि मैं पहले काम कर लूँ कैमरे को हम बाद में हाथ लगा लेंगे तो जैसे ही मैं घर आई मैंने कपड़े जो है वो धोने के लिए रख दिए थे अब ये बड़ा सुकून है यहाँ पर कि साथ साथ आपके कपड़े भी धुलते रहते हैं और आप अपने आगे पीछे जो भी काम करने होते हैं वो भी कर लेते हैं तो मैंने यही किया कि मैंने कपड़े डाले फिर मैंने जल्दी, जल्दी जल्दी जो है वो रूम्स को जाकर सेट कर लिया था और अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि जो रात का मैंने कौरमा बनाया था ना उसके साथ मैं नान तलती हूँ क्योंकि तला हुआ नान किस नहीं अच्छा लगता मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर चाय में डिप करके भी बड़ा मज़ा आता है और वैसे अगर कोई रात का सालन बचा हुआ हो तो उसके साथ भी मज़ा ही आ जाता है इस तरह के नाश्ता करने का और बचपन में भी जब लेफ्ट ओवर नान हुआ करते थे तो मामा इसी तरह हमें तल कर देती थी नाश्ते में तो वहाँ के तो नान की बात ही कुछ और होती है ना स्पेशली वो जो दूध वाले वाइट मोटे मोटे नान होते हैं ना उनको तो खाने का मजा ही कुछ और है यहाँ पर उस तरह के नान मिलते ही नहीं है वो टेस्ट नहीं है अब जाकर जो है वो फ्रोज़न शीरमाल और ताफ्तान मिलना शुरू हो गए हैं लेकिन वो जो फ़्रेश फ्रेश निकलते हैं ना तंदूर से उसकी बात ही कुछ और होती है लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है तो फिर फ़्रोज़न से भी बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है स्पेशली जब कौरमे कौरमा टाइप की चीज़ पकी हो तो ताफ्तान खाने का मज़ा कुछ और होता है खैर यहाँ पर मेरा जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही सदियों बाद मैं इस तरह से नान तल कर खा रही हूँ क्योंकि मैं नाश्ते में अक्सर यही होता है कि चाय बिस्किट ही खा लेती हूँ या फिर मैं कभी अपना ग्रीन जूस बनाकर पी लेती हूँ तो वैसे तो चाय बिस्किट की मैंने आपको बहुत बार बताया क्रेविंग हो रही होती है अगर मैं बीच में छोड़ भी दूँ ना खाना तो बस दिल करता है रात तक तो मैं दो चार बिस्किट खा ही लूँ चाय में डिबो कर बस तो वो क्रेविंग जो होती है ना उसको मुझे पूरा करना होता है खैर यहाँ पर मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है और आप लोग मुझे बताएंगे किस किस को तला हुआ नान अच्छा लगता है नाश्ते में स्पेशली तो अब मैंने सोचा कि बच्चे बच्चों को लेकर जो है वो पूल पर चले जाते हैं कपड़े धुलते रहेंगे घर भी ऑलमोस्ट मैंने है, वो टाइडी अप कर लिया था मौसम भी जो है वो बहुत अच्छा गर्म सा हो रहा था मतलब बिल्कुल पूल पे जाने वाला वेदर हो रहा था मैंने कहा पानी भी अच्छा गर्म होगा और पानी पे जाने से ना इंसान बहुत रिलैक्स हो जाता है और पानी का भी थोड़ा बहुत वर्कआउट होता है मैंने कहा चलो जाती हूँ बच्चों के साथ खुद भी थोड़ा सा माइंड को अपने रिलैक्स करती हूँ और जाकर जो है वो अच्छा सा अपना दिन इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ मैंने यही सोचा है कि एक दिन हफ्ते का मैं इनको ज़रूर पूल पे ले जाती हूँ ताकि इनकी वेकेशंस जो हैं वो अच्छी गुजरे वैसे भी इतना कहीं बाहर पूरा हफ़्ता तो जाना नहीं होता है संडे ही ऐसा दिन होता है कि मैं इनको ले जाती हूँ लेकिन वेंसडे थर्सडे मैंने एक दिन बनाया हुआ है जिस दिन मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े तो फिर हम लोग पूल पर आ जाते हैं लेकिन पूल पे आने के बाद जाना मेरे काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब घर जाते हैं ना तो पूरा घर पानी पानी हो जाता है और फिर बच्चों को दोबारा से शावर देना और पूल में इनको जब ये लोग जाते हैं ना तो फिर आने का दिल ही नहीं करता है तो यहाँ पर हम घर आए और फिर जब पूल से आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है तो मैंने सोचा कि जल्दी से इनको जो है वो फ़्रेश जूस बनाकर दे देती हूँ साथ में थोड़े बहुत स्नैक बना दूंगी स्नैक में, में मेरे पास फ़्रीज हुई हुई चीज़ें रखी होती हैं बच्चों की मैंने आजकल जो है वो इनके लिए चीज़ पॉपर्स बनाए हुए हैं वो कभी दे देती हूँ इनको फ्राई करके या समटाइम्स फ्रोजन फ़िश जो मैं लेकर आती हूँ वो स्नैक में दे देती हूँ और साथ में एक फ्रेश जूस का क्योंकि जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो वो अगर जूस भी पी लें तो फ्रेश जूस स्पेशली तो वो उनकी जो कमियाँ होती हैं ना सारी वो पूरी हो जाती हैं वैसे तो मैं इनको मल्टी वाइटमिनस भी देती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि जो अब वाइटमिन हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन्हीं के जरिए इन तक पहुँचाऊँ आ, लेकिन आपको पता है कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा पिकी हैं ना कि उनका कुछ भी खाने को दिल नहीं करते स्पेशली फ्रूट्स मुझे लगता है बच्चे जो ना है ना बिल्कुल मुझ पर गए हैं मैं भी फ्रूट्स खाने में ना बहुत ज़्यादा तंग करती थी अपने मामा पापा को आ, सिर्फ मैंगो बहुत शौक से खाती थी लेकिन बाकी जो फ्रूट्स हैं ना मुझे चिड़ लगती थी फ्रूट्स के नाम से ही और बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है वो मेरे पास मौसमी हैं उनका जूस निकाल दूँगी मौसमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठी होती है लाइक ऐसे लगता है बिल्कुल चीनी वाली मैं लाती ऑर्गेनिक हूँ लेकिन बिल्कुल ऐसे लगता है इसमें चीनी डली हुई तो मैं क्या करती हूँ एक खट्टा वाला ऑरेंज ऐड कर देती हूँ उससे फ़्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है जूस का पर अगर मेरे पास कोई सब्जियां रखी हुई जैसे कैरट्स वगैरह और वो भी मैं ऐड कर देती हूँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं थे तो सिंपल मैं इनको औरेंज और मौसमी का जो है वो जूस बना कर दे दूँगी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की समर वेकेशन कैसी चल रही हैं क्या चल रहा है आजकल सबकी लाइफ में वेकेशंस में करोना वायरस फिर से बहुत ज़्यादा फैल रहा है अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें तो अब यहाँ पर बारी आती है डिनर की मैंने कहा किचन में ही हूँ तो जल्दी से मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ सुबह मैंने दाल और चावल तो भिगो दिए थे चने की दाल बना रही हूँ आज मैं मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो है वो चिकन चिकन हो गया है तो अब कुछ दाल पे आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने दाल सोख करके रख दी थी चार पाँच घंटे आराम से वो पानी में थी और चावल भी सोख हो रहे थे तो एक तरफ मैं चावल बॉईल होने के लिए रखूँगी और दूसरी तरफ मैं दाल पकाने के लिए रख दूँगी तो मैंने तकरीबन आधा कप दाल ली थी और इसके अंदर मैंने डेढ़ कप पानी का ऐड कर दिया है क्योंकि मैं इसको इंस्टेंट पॉट में पकाऊंगी तो इतना ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी और जल्दी गल जाएगी साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी डाल दी है सॉल्ट टू टेस्ट डाल दिया है अदरक लहसन डाल दिया है फ्रेश हाफ हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा दाल मसाला डालूंगी इससे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर और साबित ज़ीरा और साबित गर्म मसाला ऐड कर दीजिएगा तो बिल्कुल सेम फ्लेवर आ जाएगा क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ में ले आती हूँ वरना एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो फिर वो फिर फेंकने पड़ते हैं इसको अच्छे सा मिक्स कर देंगे और साथ ही मेरे पास दो टमाटर थे छोटे साइज़ के वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये रेसिपी मैंने अपने व्लॉग में ईद से पहले दिखाई थी मैंने जस्ट डिनर में बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप रेसिपी भी शेयर करें तो मैंने सोचा कि आज मैं शेयर कर देती हूँ थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला था हाफ टी स्पून के बराबर ज़्यादा नहीं और अब मैं इसको इंस्टेंट पॉट में रख दूँगी फिफ्टीन मिनट्स मैंने टाइमर सेट कर दिया था और अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है तो आप देसी तरीक़ा प्रेशर कुकर में बना लीजिएगा जिस हिसाब से आप लोग अपनी दाल बनाते हैं उतने उस हिसाब से आप दाल गलाइएगा तो यहाँ पर 15 मिनट्स में दाल जो है वो बहुत अच्छे से गल गई थी और अगर आपको इसमें पानी और ऐड करना है तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा लेकिन मेरे हिसाब से इतनी थिकनेस काफ़ी थी यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी क्योंकि मैं जब चने की दाल बनाती हूँ ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्याज डालती हूँ ऐसा लगता है जैसे हलीम का टेस्ट आता है तो उसको थोड़े से ऑयल में अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और जब ये ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करना है साबित और जिंजर जूलियन कट करके वो ऐड कर देना है जिंजर जिंजर से जो है वो तड़के में टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो वो आप डालिएगा ज़रूर और मैंने दाल के अंदर हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी हैं तड़के से पहले ताकि फ्लेवर दाल में अच्छा सा आ जाए और अब मेरा फेवरेट पार्ट आता है तड़का लगाने का और यहाँ पर हमारा तड़का लग चुका है और मज़ेदार सी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है अब जिस जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैंने उनकी जो है वो रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है यहाँ पर मैंने खूब सारा सा धनिया ऐड कर दिया है क्योंकि इसके बिना तो दाल और मेरे सारे सालन अधूरे हैं और जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगी आपने इसको मिक्स कर देना है और जो गरम मसाला है पिसा हुआ वो आपने ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और दाल के साथ इसको सर्व करें आपको मज़ा आ जाएगा इसके खाने का बहुत मज़े की सिंपल इजी दाल बनती है अब बकर में बहुत ज़्यादा गोश्त खाया है तो अब दाल सब्जियों पर आ जाएँ क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त खाना भी अच्छा नहीं होता तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी थोड़ा सा अचार थोड़ी सी प्याज दाल और चावल इस तरह के खाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइक लिटरली अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरे पास नान भी रखे हुए थे तो मैंने कहा नान से खा लेती हूँ फिर मैंने कहा नहीं यार दाल चावल का मज़ा आना तो वो हाथ से खाने में और साथ में अचार और इन सारी जो भी लवाजमात बने होते हैं ना घर में उन्हीं का मज़ा आता है अच्छा अब जो तैयारी चलने की वो रब की बर्थडे की लेकिन वो क्लिप वो, वो व्लॉग इन नेक्स्ट होगा तो मैंने क्या किया कि अली को खाना सर्व किया उनको जितना भी फ्रिज में लेफ्ट ओवर था उनको सालन भी खाना अच्छा लगता निहारी और बटर चिकन जो हमने ईद पे लिया था और जो दाल थी वो मैंने निकाल कर रख दी है ताकि ये आराम से अपना डिनर एंजॉय करें क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई है मैंने बच्चों को लिटाया और मैं फिर जल्दी जल्दी टारगेट गई थी क्योंकि मुझे रफ़ के लिए कुछ चीज़ें लेकर आनी थी तो इन आने वाले ब्लॉग में जो है वो आप देखेंगे कि मैंने क्या शॉपिंग करी और यहाँ पर मुझे अलमीर को बर्थडे विश करना है इनकी मम्मी ने बोला कि मेरे बेटे को विश करो तो हैप्पी बर्थडे टू यू अलमीर अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे और यहाँ पर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड आई होप कि आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी अगर अच्छा लगता हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने पहली बार देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफिज़